Guys, welcome to my another new vlog, and this is the vlog you are watching. Excuse me. And this is the day three, guys. Good morning, guys. And सबसे पहले मैं मेरा डायलॉग बताता हूँ. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल दीपायन हल्दर्ती स्टूडेंट ब्लॉग, एंड डू फॉलो माई सोशल मीडिया हैंडल्स लाइक इंस्टाग्राम DIPH_7671 एंड स्नैपचैट DIPH7671. सो यू विल बी गोइंग टू वॉच टूडे द मैरिज फंक्शन. तो आज हल्दी है और कल रात में कुछ मेहंदी हो चुका है, शायद छोटा मोटा कार्यक्रम किया गया था, और आज हल्दी है और आज शादी भी है. आपको पूरा व्लॉग्स देखने को मिलेगा, और फर्स्ट 2 डेज का व्लॉग रेडी हो चुका है, वो कुछ ही दिनों में अपलोड हो जाएगा, और ये डे 3 का यानी सेकेंड व्लॉग है. ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ मैं आपको हल्दी वाले फंक्शन में रेडी होके. नहा दो. और ये गाइस, ये हॉल है जहाँ पे हम खाने वाले हैं. यहाँ पे अंदर आप मटन देख सकते हो, और कुछ प्लेट सब कैटरिंग की वर्क्स चल रही है. तो गाइस, हम जाने वाले एक शादी वाले पे. दिस इज अ फिश. ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है. यहाँ पे कुकिंग होगी और गाइस, यहाँ पे मैरिज होगा. और यहाँ पे बैठेंगे हमारे दीदी, और यहाँ पे तब तक जीजू यहाँ पे बैठेंगे. उनके बाद दीदी को बुलाया जाएगा, उसके बाद शादी होगा. तब तक दीदी यहाँ पे वेट करेगी. सो गाइस, दिस इज अ व्यू ऑफ मैरिज हॉल. मैंने बिफोर ही लिख कर दिया है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे एक बॉर्डर भी दिया गया है ये वाला, अब देखते हैं. यहाँ पे हॉल बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है, देख सकते हैं. और मैंने मटन भी दिखा दिया है आपको, जो फ्लैश है अभी तक कुक भी नहीं किया गया है. तो आगे भी ऐसे ब्लॉग्स देखते रहिएगा. अभी हम टिफिन करने वाले हैं, मतलब सुबह का ब्रेकफास्ट. तो देखते हैं क्या बनता है. बोला था कि उन्होंने 1 घंटे में हम बना देंगे. कैटरिंग के लोग आ गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है. वॉच टिल द एंड. This is the ground and this is the catering room. Guys, अभी बज रहे सुबह के 11:30 और अभी हो रहा है ब्रेकफास्ट. आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है. ये है पूरी और ये आलू का सब्जी और ये मिनरल वाटर. ये हो रहा है अभी 11:30 बजे. पता नहीं लंच कब होगा. लंच में मिलते हैं. तो हे गाइस, शादी इधर होने वाली है, ये मंडप पे. यहाँ पे हमने ऊपर दिखाया था, ये फ्लोर पर जाकर, पर ये कमान है, देख सकते आ रहा है इतने.
तो हे गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। और अब तक जो आप जो वीडियो देख रहे थे, कुछ गिफ्ट्स वगैरह आए थे, वो है लड़के वाले की तरफ से कुछ हल्दी आया था और कुछ गिफ्ट्स कह सकते हैं आया था, जो पहन के शादी में पहनना होता है लड़की वालों को। तो वो गिफ्ट्स वगैरह उन्होंने भिजाए थे। अब वो हल्दी अब मैं दीदी के ऊपर लगाया जाएगा। तो अभी वही कार्यक्रम चल रहा है और मैं एक दूसरे रूम में मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। आप कमेंट में बताइएगा कैसे है कपड़े। बिल्कुल बेटर लग रहा हूँ, बट डिसेंट लुक है। ठीक है गाइस, मैं आपको मिलता हूँ बाद में। देखते हैं अब क्या होता है, डायरेक्ट लंच या कुछ और प्रोग्राम है। अभी तो हल्दी लग रहा है दीदी के ऊपर। ठीक है गाइस, मिलता हूँ। स्टोरेज खत्म हो रहा है। तो हे गाइस, तो मुझे एक फोटो शूट के लिए एक मेरा फ्रेंड या एक भैया मिल गया, उस आप बोल सकते हैं। मैं आपको बाद में रिवील उनका फेस दिखाऊंगा। वो मुझे फोटो शूट करके देंगे, उन्होंने कहा है मेरे फोन से ही। अब कितना टाइम मिलेगा या कब करेंगे वो मुझे पता नहीं है, या करेंगे भी या नहीं, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। शायद इवनिंग टाइम में वो मेरा फोटो ले, पर उन्होंने मुझे गारंटी दिया है और हम दोनों फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं। फोटो शूट अच्छे अच्छे फोटोज भी मैं डाल दूंगा मेमोरीज बोल के। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आप देख सकते हैं खाने का शॉट मैं नहीं ले पाया, क्योंकि मैं खाने में बहुत बिजी हो गया था, इसलिए खाने का शॉट नहीं ले पाया। तो आगे शाम में देखते हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं अटेंड करना है और थोड़ा बहुत काम भी करना है। तो चलते थोड़ा रेस्ट लेते हैं। शायद मेरे ख्याल से शायद इधर हल्दी हो गई होगी, देखते क्या होता है। अब उधर ही मैं अभी हॉल में हूँ, अभी उस उनके घर पे जाना पड़ेगा, दीदी के घर पे। फिर नाइट में फोटो शूट भी है मेरा, देखते हैं क्या होता है। बाय, गुड आफ्टरनून। गाइस, दिस इज द कार। सो हे गाइस, आई एम रेडी। कैन वॉच दिस सेंटर फ्रूट। आई एम रेडी। ये गाइस, ये निकल जा रहा है, क्यों ग्रो फिटर वाला। अब हम जा रहे हैं शादी में। यू कैन चेक माय लुक। देखिए गाइस, फुल लुक बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं तो मैं आपको फोटो दे दूंगा बाद में, फोटो दे दूंगा बाद में। गाइस, जाते हैं हॉल में, दीदी जा रही है। अब होंगे चिकन पकौड़ी। गाइस, शी इज कमिंग। वो चली गई। गाइस, हम आ चुके हैं गार्डन, दीदी भी आ चुकी है और लड़के वाले अभी तक नहीं आए, आने वाले। और पानी पूरी भी रेडी है। एक्सरसाइज इन पेशेंट भी है।
तो गाइस यहाँ पे चिकन कटली कुछ बन रही है डिनर के लिए, स्पेशल होने वाला है और कुछ ज्यादा फोटोज भी मिल गया है। तो गाइस फोटोज मिल गया है बहुत सारा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हैं। तो हे गाइस वेलकम टू माय व्लॉग अगेन। तो अब शुरू हो चुका है शादी, मतलब अब हो जाएंगे खाने का कार्यक्रम शुरू। तो पहले शुरू करते हैं पानी पूरी से। देख सक यहाँ पे थोड़ा भीड़ देख सकते हैं, मैं बाद में इनसे मिलवाता हूँ, ये मिलने के लिए रेडी है। तो ये है पानी पूरी वाला गाइस, देखिए काको तुम्हारा नाम और ठिकाना टा बोले था एक बार। ए दे सोनारपुर पे गए, सोनारपुर सुभाष ग्राम नूतन पल्ली कालीचरण रोड, नाम जयदीप। ঠিক আছে কাকুর নাম আর ঠিকানা বলে দিয়েছে, এনার কাছে ফুচকা খাবেন। দেখো আমি খেয়েছি এত টেস্টি ফুচকা, এখন এত আছে ঠিক আছে, আপনি খা সকতে কাকু একটা শুকনো ফুচকা দাও তো, আপনাকেও খেয়ে দেখিয়ে দিই অরিজিনাল কি না একটা শুকনো দেবো একটা। থ্যাংক ইউ। খুলে রাখি তাহলে ছোট করতে যাবো। आप जाते हैं ऊपर कॉफी खाने के लिए। गाइस दिस इज अ चिकन पकौड़ी एंड दिस इज अ कॉफी। देखिए गाइस इतना मिल गया है, चिकन खाने। अब देखते हैं क्या होता है। गाइस चिकन पकौड़ी खाते खाते ऊपर जाते हैं। হ্যাঁ রে তোকে অত করে খাওয়ালাম, বরকে ফেলতে পারছিস না। হ্যাঁ খাওয়ালাম ঠিক আছে ঠিক আছে, কেউ ঝগড়া করবে না, এটি আনন্দ। আচ্ছা নামি দর নামি দাঁড় করিয়ে ফটোটা তোলা হবে, তাই তো? আরে লোক আসতে টাইম লাগে তারপর। আচ্ছা 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 যে পেট করে নিয়েও সাত ফুলে থাকবে না তার আপন মধ্যে কেউ। শুভ দৃষ্টি এখন হলো সমর্পণ, সবাই মিলে বলো গৌরী বল, গৌরী বল, গৌরী বল। আমি
सो हे गाइस, तो मैं शादी ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाया, कुछ बाहर काम में बिजी था तो चले गया, तो इसलिए मैं शादी ज़्यादा कवर नहीं कर पाया। और बाकी जो मैंने समझा मेरे से हो पाया वहाँ तक ही मैं ब्लॉग शूट कर पाया हूँ। और उन दोनों की जोड़ी भी, मतलब शादी जो हो गई उन दोनों की जो जोड़ी की फ़ोटो भी है वो भी बहुत मुश्किल से मिला है। और सिंगल सिंगल फ़ोटो मैं लेने का सोचा था पर नहीं मिला गाइस। अब देखते क्या होगा। और अब हम जा रहे हैं डिनर को, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। तो ये डिनर करने के बाद हम शायद ये ब्लॉग में एंड कर दूंगा। तो डिनर में दिखाता हूँ, शायद वो भी शूट हो पाए या ना हो पाए, उससे जितना हो पाएगा उतना शूटिंग करके एडिट करके। और कुछ 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 फेस भी कवर नहीं दिखाना है, उन्होंने दिखाने के लिए मना किया है। और बाकी जो होता है देखा जाएगा क्या होता है। और अब तो रात के 11 बज रहे हैं, आज संडे भी है। देखते हैं गाइस, ब्लॉग को मैं बहुत जल्दी एंड करने वाला हूँ डे 3 का। फिर कल का कुछ स्पेशल होगा तो ही शूट करूँगा, फिर परसों कुछ और है वो बात करके देखेंगे क्या होता। फिलहाल तो हम लंच में जा रहे हैं। थैंक यू। लाल पड़े नहीं क्या लाल दादा चना मसाला स्वीस कटलेट सलाद चिकन कटलेट कासुंदी दादा। अरे इट्टू दा पर लाइट टच अप। हाँ थैंक यू। दिस इज जीरा राइस, छोटा पीस दे ना, एक छोटा खाली छोटा दे। मैं दिस इज दही का রসগোল্লা पान एंड आइसक्रीम 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 करें एनफ मेनू एनफ हीरोज की बाय एंड एंड गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द मेनू विद बनारस पान। आइसक्रीम मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे ठंडी लगी थी, इसलिए मैं दो बूंद खा के मेरे पापा को दे दिया। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि एक एक लिस्ट के अनुसार खाना आ रहा था, मेरे पापा पढ़ रहे थे उसको। तो मैं आपको वो फ्लेवर वाला अब भी दिखा देता हूँ। और ये पान खाने के बाद
ये मैं आपको फ्लावर दिखाता हूँ जिसमें इनविटेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने पापा को साइड में रखा, मैं खा रहा था, मैं पापा पढ़ रहे थे, तो मैं पहले ये खा लेता हूँ। लेट्स रिव्यू बनारस का पान। समथिंग देयर इन दिस, कुछ कांटा है गाइस। पान खाने वाले हम, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है पान। खाई के पान बनारस वाला। एंड गाइस दिस इज द फ्लावर। यहाँ पे एक एक मेनू लिखा हुआ है जो मैंने अभी तक खाया था, विद पान एंड मैरिज का इनविटेशन भी, डेट एंड टाइम भी लिखा हुआ है। यहाँ पे मेनू आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनका एड्रेस दिया हुआ है जो ये फ्लावर मैन्युफैक्चर हुआ था, और यहाँ पे क्या क्या आप खाने वाले उसका मेनू। ये आपको खाने का वक्त ही दिया जाता है गाइस, यानी शादी के पहले, इनविटेशन के टाइम नहीं, वो कार्ड अलग है। ये खाने का वक्त दिया जाता है खाने से सबसे पहले सबको, एवरीवन। डू आई डोंट नो गाइस, पर ठीक है गाइस, अब घर जाते हैं, सोने का है और व्लॉग को एडिट भी करना है, कुछ कुछ फेस ब्लर भी करना है, बहुत काम है। पान खाता हूँ, मिलता हूँ बाद में। पान का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगा गाइस, स्मेल तो अच्छा है पर पान का टेस्ट अच्छा नहीं है। नेगेटिव रिव्यू। हे गाइस, हम लोग जाने वाले हैं गिफ्ट्स लेकर घर पे, देख सकते हैं कार में एसी ऑन है। तो हे गाइस, इसी के साथ होता है हमारा डे 3 का ब्लॉग एंड। कल ब्लॉग आ भी सकता है या नहीं अभी आ सकता है, होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी के लिए गुड नाइट, मैं बेड पे जा रहा हूँ, बेड पे जाके ऐसा व्यू लेके बस मैं एंड कर दूंगा इस ब्लॉग को। बहुत लॉन्ग हो गया गाइस ये वाला ब्लॉग, तो इसको एंड करते हैं। गुड नाइट।